बिल्कुल नहीं है यार मेरे में, देखो और ये है कविता। हेलो, कैसी हो? ये बताओ सबको, यही पे आना सारे लोग नेल एक्सटेंशन कराने, और बहुत अच्छा किया है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। आप देख सकते हो नीचे मैं एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आएगा। हाय गाइस, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, घूम रहे होंगे। तो एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ सैलून अपने नेल्स का एक्सटेंशन कराने। तो ये तो एक्चुअली जब मुझे गुस्सा आता है या मैं फ्री बैठती हूँ तो ख़त्म, टाटा बाय बाय तो ये वाला हाल होता है। तो अभी आज मैं जाऊँगी एक्सटेंशन करवाऊँगी अपने नेल्स का, देखती हूँ। मतलब बोली थी कि 3-4 महीने तो आराम से रुक जाते हैं, आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टूटेंगे भी नहीं, और नेल पॉलिश वो अपना आर्ट करते होंगे जो भी है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर करना चाह रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं जिसमें वो सारा कुछ करके देगी, नेल्स का एक्सटेंशन करेगी और इस पर आर्ट भी करेगी जो भी है जैसा कि उसने बोल रखा था, वो मैं आपको बता रही हूँ। इतनी अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, वो तो मैं जाऊँगी उसी से बोल दूँगी तुम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो फ़िलहाल अभी बज रहे हैं 12:30 और सुबह से मैं उठ के काफ़ी सारा काम किया है मैंने, कपड़े वगैरह धुला है और काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। तो गाइस मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, तो जस्ट मैंने अभी ऑर्डर किया है जोमेटो से, जोमेटो है तो हम जिंदा हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा तो हम खाना पीना खाएँगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे सैलून, देखते हैं वहाँ पे नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं। मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जिसको भी नेल एक्सटेंशन कराना है तो मैं उसका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और उसका एड्रेस भी, तो आप जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और भूख बहुत तेज़ी से लग रही है और जोमेटो वाला पता नहीं कब आएगा, कब आएगा। ओके, तब तक हम वेट करते हैं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक लिए बाय बाय। तो गाइस फाइनली ऑर्डर आ चुका है, भैया को लोकेशन मैंने यहाँ की भेजी थी पर वो भाई साहब कहीं और पहुँच गए थे, ऐसे हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं अपना ऑर्डर लेने के लिए, उनसे उनकी हालत पूछते हैं आप किस लोकेशन पर चले गए थे। कौन सी लोकेशन पर पहुँच गए थे भैया? आप ही शिवानी के नाम से होगा? अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं। तो गाइस फाइनली मेरा खाना आ चुका है और देखो ये देखो खाली कर दिया, खास करके मैंने इसलिए मंगाया था गुलाब जामुन वाली थाली कि मुझे गुलाब जामुन खाने को मिलेगा, और ये देखो खाली कर दिया, कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, क्या बताऊँ यार। और ये रोटियाँ अब खाने में अच्छा है या नहीं है वो तो हम बताएँगे। तो गाइस जोमेटो वालों ने जो किया है उसे हम रहने देते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगी काफ़ी ज़ोरों की भूख, तो मैं खाना खा लेती हूँ, थोड़ी देर सो लूँगी, और सैलून का जो टाइम है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है तो मुझे कॉल आएगा तब मैं जाऊँगी। तो अभी मैं खाना खा लूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी अच्छे से। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ मस्ती से एकदम, आप देख सकते हो। तो गाइज़ मैंने इतनी ज़ोरों की नींद ली कि मैं जान ही नहीं पाई कि फ़ोन कब आ रहा है, 4-5 उसने कॉलें करी, फिर बड़ी मुश्किल से मैं जगी, मेरी रूम पार्टनर ने बोला शिवानी तुम्हारा कॉल आ रहा है, तो मैंने देखा फटाफट से मैं तैयार हो रही हूँ, अब देख रहा कुछ भी नहीं किया, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता बाहर कैसी लग रही, मगर ठीक है कोई ना, चलो चलते हैं फिर। जल्दी जल्दी करके भागना पड़ रहा है, बाल पीने वाली है। भागे जल्दी जल्दी यार, यार बढ़िया, चलो बढ़िया, हमने कहा चले जाएं। देखो भागी भागी भागी, ओ कितनी अच्छी लग रही है, हम फाइनली पहुंच गए वेन्यू पे। हाँ हम चले क्या करने? अच्छा पहले से ऑलरेडी कर रही थी, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ किया कि तुम कितनी देर में आ रही हो। हाँ यार हमने कहा चली जाए नहीं तो फिर हो जाएगा लेट, करो आराम से। सो मेरे से पहले किसी और का नेल एक्सटेंशन हो रहा है, आप देख पा रहे हो,
और मेरी शकल पे 12, 13, 14 जितने भी बजते हैं सारे के बजे हुए आप देख सकते हो, क्योंकि क्या बताएं मैं बहुत सोचती हूँ। उसको भी नेल एक्सटेंशन करवाने। देखो बंटी खेल रही है अपने आराम से। ये तो गाइस मैं गलत टाइम पे पहुंची थी, मेरे से पहले किसी और का नेल एक्सटेंशन हो रहा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि मेरे खुद के नेल एक्सटेंशन में लग गया था कम से कम 4 से 5 घंटा लग गया था आराम से, तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैं इधर उधर के वीडियो बना रही थी, खुद के वीडियो बना रही थी। मैं फिर मैंने रील्स बनाए ताकि मैं बोर ना हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी बैठे बैठे। तो अभी आप देख सकते हो, तो ये देखो ये वो चल ही रहा है मेरा बस। कोई ना, इसके बाद अब मेरी ही बारी आने वाली है। तो गैस मेरे से पहले जो क्लाइंट बैठी हुई थी मैम की, तो आप उनका नेल एक्सटेंशन देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब पता ही नहीं चलता कि हमने बाहर से लगवाए हुए हैं या ऐसा कुछ, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है आप देख सकते हो। तो गैस फाइनली इतनी मुद्दतों के बाद अब मेरा नंबर आया है, आप देख सकते हो मैं बहुत खुश थी। मैं फ़र्स्ट टाइम नेल एक्सटेंशन करवा रही, तो मुझे बहुत शौक है लंबे नेल्स का, तो इस एक्सटेंशन कराने के बाद भी जो दिक्कतें हुई हैं वो मैं दूसरा ब्लॉग आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी सॉरी। तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा जब हम करते हैं तो उनको पेन होता है, तुम करती तो नहीं हो रहा? तुम करती हो तो पेन होता है? हाँ, मतलब ये होता है ना नेल कटर से जब करते हैं तो वो दर्द होने लगता है। हाँ तो गाइस मैम भी हमारी तरह खाने पीने पे ज़्यादा फोकस करती हैं काम के साथ साथ, तो हम लोग अभी कॉफ़ी का एंजॉय कर रहे हैं और साथ में मैम काम भी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो। निकलेगा तो निकलने वाला तो नहीं है? निकलेगा नहीं? हाँ अच्छा, एक मेरे पास भी ऐसे था पर वो तो मतलब छूट जाता था, बिल्कुल सेम ऐसी पैकेजिंग। इसमें टिप, ये टिप लगी होती है इसमें। अच्छा, खाँचे बने हुए हैं देखो। अच्छा, ये कॉस्टली आते हैं। अच्छा हैं जो तुम बता रही हो वो हाँ। भी रखे हैं मेरे पास। हाँ घिसा है उसमें अभी, ये तुम्हें लग रहा है बस ऐसे ही है, इसमें मटेरियल अभी कितना लगेगा देखो। बट उसका 3-2 घंटे होगा तो करते करते। लग रही है ना? हाँ लग रहा होगा, ओरिजिनल कट रहे हैं। हाँ सही बात, थोड़ी ये फीलिंग थोड़ी गंदी वाली डुबली है और उसके ना मेरे को कट रहा है। नहीं ओरिजिनल की आती है, डुबली नहीं आती। पेन करेगा ना? नहीं आराम से कुछ नहीं पेन करेगा, बेफिक्र रहो, बस हाथ ढीला छोड़ो। तो गाइज आप देख सकते हो फिर से मैम हमारा
मतलब सॉरी अपना काम करने लग गए हैं। एंड मेरा यहाँ पे फ़ोन ऑफ हो गया था, मैं चार्जर लेके गई नहीं थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं पूरा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ, बस लास्ट ही मोमेंट था समझिए। अब देखिए इस तरीके से मैंने नैन एक्सटेंशन कराया था और मैम ने बहुत प्यारा किया था और बिल्कुल पेनफुल तो बिल्कुल नहीं रहा, मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो आप लोग भी यहाँ पे नैन एक्सटेंशन करा सकते हो, मैं कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन कर दूँगी नीचे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो गाइस आई होप ये वाला वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और ये है कविता, इन्होंने कैसी हो ये बताओ सबको। यही पे आना सारे लोग नेल एक्सटेंशन कराने, और बहुत अच्छा किया है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। आप देख सकते हो नीचे मैं एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आएगा, मिलेगा आके कविता से। कॉन्टैक्ट नंबर और इसने जो भी इसका यूट्यूब का वो है सब्सक्राइब करने का के लिए प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, मीट यू सून। तो गाइस काफ़ी लेट हो जाने की वजह से मेरी फ्रेंड की मम्मी ने मुझे घर तक ही छोड़ा था, तो बहुत अच्छी हैं कविता की मम्मी, थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो वो अकेले जाने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया, तो ऐसा करो मैं तुम्हें अपनी स्कूटी से छोड़ देती हूँ। तो फर्स्ट टाइम कोई ऐसा पर्सन मुझे मिला, तो आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इस ब्लॉग को आपने इन्जॉय किया होगा और आप लोग भी नेल एक्सटेंशन कराने के लिए जाओगे। Bye bye, love you all.